फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि फिट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में फिट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स फिट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई एक प्रोडक्ट यानी कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन के लिए फिट है या उपयुक्त है या उसके काबिल है। आइए फ्रेंड्स इस बात को एग्जाम्पल में समझे। फ्रेंड्स अगर मुझे कहना हो यह आम खाने के लिए फिट है या यह आम खाने के लिए उपयुक्त है या यह आम खाने के लायक है, तो आप कहेंगे दिस मैंगो इज फिट टू बी ईटन। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो यह लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है या यह लैपटॉप इस्तेमाल करने के लायक है, तो आप कहेंगे दिस लैपटॉप इज फिट टू बी यूज्ड। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो यह कॉलेज पढ़ाई करने के लिए अच्छा है या उपयुक्त है या लायक है, तो आप कहेंगे दिस कॉलेज इज फिट टू बी स्टडीड। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो यह बाजार बिक्री के लिए उपयुक्त है या बिक्री के लिए फिट है या बिक्री के लायक है, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स ये जो मार्केट है अगर यहाँ पर कोई सामान बेची जाए तो वो बड़े धड़ल्ले से बिक जाएगी, तो आप कहेंगे दिस मार्केट इज फिट टू बी सोल्ड प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो यह जगह एक कंपनी खोलने के लिए उपयुक्त है, तो आप कहेंगे दिस प्लेस इज फिट टू बी एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो यह काम करने के लिए उपयुक्त है या यह काम करने के लायक है, तो आप कहेंगे दिस वर्क इज फिट टू बी डन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में ये कहना हो कि कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन के लिए फिट है या उसके अनुकूल है या उसके उपयुक्त है, तो आप इट इज फिट टू बी थर्ड फॉर्म के मदद से बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो यह बाइक चलाने के लिए फिट है या यह बाइक चलाने के लिए उपयुक्त है या यह बाइक चलाने के लायक है, तो आप कहेंगे दिस बाइक इज फिट टू बी रिडन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये लेसन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर वाकई आप इस लेसन को समझें तो प्लीज आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अगर लिखा हो दिस वीडियो इज फिट टू बी शेयर्ड, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक दिलचस्प लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।